अंग्रेजों का मंदिर लोग कहते हैं, उसको कैसे काटें? मैं आपको ये आपको आंसर दे रहा हूँ। मैं आपकी और मेरी पहचान कैसे है कि मैं फलाने का बेटा हूँ, फलाने का पोता हूँ? यही तो पहचान है हमारी, नहीं? आध्यात्मिक जगत में हमारी पहचान कैसे होती है? तो हमारी जो पहचान है, हमारी पहचान तो हमारे पिता से ही होती है ना। ऐसे ही जब हम आध्यात्मिकता में बात करते हैं, हमारी पहचान हमारे गुरु से होती है। इस्कॉन की स्थापना किसने की है? वो तो बंगाली है, वो तो बंगाली है। उनको देख के समझ में आया था बंगाली है भाई, है ना? तो फिर जब हमारी पहचान हमारे पिता से है, तो इस्कॉन की पहचान उनके पिता से कैसे नहीं होगी? इस्कॉन की पहचान भी इस्कॉन के जो पिता हैं श्रील प्रभुपाद, वो एक बंगाली हैं। इसलिए अगर कोई बोले अंग्रेजों का मंदिर है तो बात ठीक नहीं है। वो प्रभुपाद ने बनाया मंदिर, और प्रभुपाद एक बंगाली हैं। ये एक बात है उसको काटने के लिए। अब दूसरी बात ये है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भक्तों में जात पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई कर रहा है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, धार्मिक है, हर काम कर रहा है, लेकिन भक्तों में जात पात का भेदभाव कर रहा है उसी कारण से, क्योंकि उसने भेदभाव कर दिया भक्तों में जाति पाति का, सिर्फ उसी दोष के कारण नरक जाएगा वो, सिर्फ उसी दोष के कारण। बाकी सब उसने कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई उसने किसी का दिल नहीं दुखाया, कोई पाप नहीं किया, कोई चींटी नहीं मारी उसने, लेकिन भक्तों में जाति पाति का भेदभाव कर लिया, इसी कारण से नरक जाएगा। अब तीसरी बात यह है कि ये सब बातें समझाने के लिए क्षमता चाहिए। हमें ऐसे किसी भी आर्गुमेंट में नहीं घुसना चाहिए जिसमें हम लड़ी ना पाए। तो जैसे आपकी जो स्थिति है, आपने अधिक हमारे जो प्रभुपाद की पुस्तकें हैं उसको ज़्यादा अध्ययन तो कर नहीं पाए आप, बहुत ज़्यादा श्रवण भी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर भी नहीं है, तो इतना सिद्धांत की क्लैरिटी नहीं है। तो आपको किसी से तर्क नहीं करना चाहिए, जो बोले इस कान से सुनो इससे निकाल दो, काम की बात अपने पास रख लो, बात खत्म हो गई। आप किसी से आर्गुमेंट करने जाओगे और आपके हृदय में और ज़्यादा शंकाएं खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाओगे। फिर आप बोलोगे यार बात तो सही कह रही है, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, तो आप बोलोगे बात सही कह रही है, तो आपकी श्रद्धा घटेगी। इसलिए आपकी स्थिति में आप किसी से आर्गुमेंट मत करो। अगर मौका मिले तो हमारे से मिलवाओ, हम समझा देंगे उसको, है ना? आप आर्गुमेंट करो मत करो, आप सिर्फ भक्ति करो आराम से। और ये जो इस तरह की जो सभाएं हैं जहाँ पर कि भगवान की भक्ति करने के प्रति प्रेरणा दी जा रही है, बस उसके बारे में ऐसी सभाओं में जाएं। होता क्या है कि हम लोग अकेले थकेले रहते हैं, और जो कोई हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम उसके साथ बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तड़प रहे हैं हम बात करने के लिए। कोई हमसे बात नहीं कर रहा, अरे चल किसी ने तो की, लेकिन वो आपके उल्टे सीधे विचार आपके दिमाग में डालेगा, परेशानी खड़ी करेगा। ऐसे लोगों से जो इस तरह के विचार अपने हृदय में लेकर चल रहे हैं, ऐसे लोगों से बात करने से अच्छा है कि आप अकेले रहें या इस तरह का संघ ढूंढें।
नहीं तो वृंदावन में जाके परेशानी बढ़ती है, घटती नहीं, ठीक है।